सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम लोग 3 मिनट का करेंगे। आई पैर खोल लीजिए सभी लोग। ये बैठने का आसन जो है, हाँ, ये हथेली जो है ठेवना पर रहेगा, घुटना पे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, नहीं, केवनी को मोड़ लेंगे और घुटना पे रहेगा, घुटना पर ना। आइए पैर खोल लीजिए, 3 गो उंगली जो है सीधा रहेगा ना, जरा बताते चलिए। हाँ अभी आ जाएंगे प्राणायाम में तो बता देंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए इसका। दोनों हथेली को कमर के पास और मेरुदंड सीधा, सांस भरते हुए पैर की उंगली को सीधा करना, सांसों को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों के जोड़ों को मोड़ना, इस प्रकार ऐसे। तीन तीन बार। फिर अगला अभ्यास, सांस को भरते हुए पूरे पंजे को तलवे को सीने की तरफ और सांस को छोड़ते हुए पूरे तलवे को आगे की तरफ ले जाते हैं, जितना हो सके उतना आगे की तरफ ले जाए, जितना हो सके अपने पीछे की तरफ ले जाए। ये नियमित योग कक्षा लगभग 2 वर्षों से चल रहा है और 2 वर्षों से बहुत सारे लोग इस योग कक्षाओं से जुड़ करके और हम एक संदेश देने आए हैं, यह क्लास कभी बंद ना हो और नियमित रूप से चले। कितना सुंदर व्यवस्था है, शेड है, जाड़ा गर्मी बरसात में बैठ के कर सकते हैं। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे लेकिन सांसों के साथ, सर्किट करें तो आधे में सांस भरिए और आधे में सांस को छोड़िए, सांसों पर ध्यान आपका हो। अब उसको उल्टा घुमा लीजिए, बहुत सुंदर अभ्यास। सांस भरते रहिए, सांस नहीं भरिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर इसको दोनों को बहुत अच्छा अभ्यास, फिर दोनों ठेवना ऊपर नीचे करिए, आप भी आ जाइए चाचा जी, बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, बड़ी लेट आ रहे हैं, बैठ जाइए आप भी, एक एक पैरों को मोड़ेंगे, वहीं बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए, हाँ, पैरों का अभ्यास कर लीजिए। आज पूरी दुनिया बीमार है, पैसा खूब कमा रहे हैं, दिन भर कमा रहे हैं और सांझ तक सब पैसा दवाई में खत्म हो जा रहा है। आप इसको हाथ नीचे लगा करके दो दो बार घुमा, आप भी घुमाइए, घुटना में दर्द कभी नहीं जिंदगी में है तो धीरे धीरे ठीक हो जाए। डॉक्टर जी को बोल दिया है कि ये घुटना के चक्री में या जोड़ों में दर्द में जो लिक्विड होते हैं, ग्रीस होते, सूख रहा है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आ जाइए, आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए यहाँ पर। सांस भरते और छोड़ते हुए इस अभ्यास को करेंगे। एक पैर को सीधा रखना है, इसको खड़ा रखेंगे, ध्यान रखिएगा, अकेले नहीं है तो दोनों हाथ लगा करके हटा लेंगे और नीचे की तरफ दबाएंगे। तो नीचे दबेगा तब ना, दबाएगा है उतना ही करिएगा, नहीं करना है एक ही दिन, हाँ, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, 1 महीना में सटने लगेगा। अब एड़ी को थोड़ा बाहर कर लीजिए और गोल गोल घुमा लीजिए, बहुत अच्छा, सांस भरिए, चेहरे पर थोड़ा मुस्कान लेकर के करिए, नहीं तो लगेगा कि अस्पताल में बैठे हुए नहीं, भगवान के दरबार में है। और दोनों तरफ से कर लीजिए, बहुत सुंदर अभ्यास, गोल गोल घुमाइए, सांस को भरिए, सांसों पर ध्यान लगाइए। आप लोग भी बैठ जाइए, वो बाजे 5 मिनट, दोनों आदमी आइए, बहुत अच्छा अभ्यास। दूसरे पैर से कर लेंगे, पैर बदल करके थोड़ा, पैर में झिझिनी है उसमें काम करेगा, सब में काम करेगा, उसी के लिए तो करवा रहे, झिझिना कहाँ करेगा झिझिनी, एक घंटा खाली टहलने से नहीं होगा, आदमी ना आइए उठ रहा है, बच्चा मरा धूम टहल रहा है, वही तो हम लोग करते हैं, आइए यहाँ बैठ करके थोड़ा योगा अभ्यास सिस्टम के साथ अभ्यास करिए। अलग अलग पोज के द्वारा अलग अलग एंगल को हम लोग ठीक रखेंगे। अगला अभ्यास थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे,
आप लोग भी आज बैठ जाइए, मास्टर बैठो, आइए आ जाइए, बढ़िया काम में बुलाना पड़ता है। आइए भैया, आज बैठ जाइए, आ जाइए लाइन में बैठ जाइए आप लोग भी। ये बटरफ्लाई है, दोनों तलवे को सटा करके इसको एड़ी को ना जांग में सटाते हैं, ऐसे फंसा करके खींचते अंदर की तरफ, और केवनी को पंजरी में सटाएंगे, सीना को बाहर निकालेंगे, जितना हो उतना ही करेंगे धीरे धीरे। पहले इसको इसको ऊपर नीचे करना है, घुटना को इसको ऐसे फंसाइए यहाँ, बहुत अच्छा, हाँ पीछे की तरफ खींचिए और ठेहुना को ऊपर नीचे करिए। कभी भी कुल्ला नहीं खराब होगा, कभी भी ठेहुना, कभी भी कमर में, कभी भी एड़ी में, कभी हृदय रोग, कभी वक्षस्थल में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। और गर्भवती माता बहन को यदि सातवें महीना से करवाया जाए तो इसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, बहुत लाभकारी है, इसलिए इसका रोज करेंगे, पैर खुल जाएगा आपका। अंदर नहीं आता है आपका, जिससे चला गया अंदर नहीं है। तो धीरे धीरे आएगा ना, अभ्यास करने से होगा, देखने से नहीं होगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा डेली। अब जिंदगी भर टहलते रहिएगा तो ऐसा होगा कि सटेगा। दूसरा चीज, अभी हम लोग अगला अभ्यास करेंगे ओम।